हेलो फ्रेंड्स, एनएन बॉलीवुड आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सायरा। और आज हम 90 के दशक की उन चाइल्ड एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जिनको आपने बहुत प्यार दिया। जी हाँ, वैसे बॉलीवुड की तरह टीवी इंडस्ट्री में भी कई ऐसे कलाकार हैं जो एक दो सीरियल्स में आए, अपनी बेहतरीन एक्टिंग दिखाई और उसके बाद कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झनक शुक्ला की। याद आया आपको? जी हाँ, वही झनक शुक्ला जो कि फेमस टीवी शो करिश्मा का करिश्मा में आपको बेहद पसंद आई थी। झनक शुक्ला टीवी के हिट शो करिश्मा का करिश्मा से मशहूर हुई थी। शो में झनक ने एक रोबोट का किरदार निभाया था जो लोगों को खूब पसंद आया। 90 के दशक में बड़े हुए बच्चे आज भी अपनी प्यारी सी करिश्मा को भूल नहीं पाए हैं। आपको याद होगा 2003 में शाहरुख खान की फिल्म कल हो ना हो आई थी, इसमें प्रीति जिंटा की छोटी बहन का किरदार निभाया था झनक शुक्ला ने। छोटी बहन के किरदार में बेहद खूबसूरत नजर आई थी, प्यारी सी बच्ची, मासूम सी वो शक्ल, आपको याद है ना। वैसे एक फिल्म और मुझे याद आ रही है, इरफान खान की डेडलाइन। झनक शुक्ला ने बचपन में भले ही हिट शोज और फिल्मों में अहम किरदार निभाए हों, लेकिन आज झनक एक्टिंग को बाय बाय बोल चुकी हैं। झनक का वापस पर्दे पर आने का अभी कोई इरादा नहीं है। फिलहाल झनक अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं। इंस्टाग्राम पर वो अपनी तस्वीरें और वीडियोस फैंस के लिए शेयर करती रहती हैं। वैसे आपको पता है कि झनक शुक्ला के मम्मी पापा कौन हैं? उनकी मम्मी टीवी इंडस्ट्री की फेमस कलाकार हैं, जी हां, सुप्रिया शुक्ला, और उनके पिता हरिल शुक्ला जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। वैसे अंदर की एक बात और मैं आपको बता दूं कि झनक शुक्ला टीवी इंडस्ट्री में आना नहीं चाहती थी, एक्टिंग करना नहीं चाहती थी, वो तो सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहती थी। खैर, अब इंतजार रहेगा कि झनक शुक्ला कब कमबैक करेंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारा, आप अपनी राय जरूर दीजिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, फिर होगी जल्द मुलाकात।